मात्या यानी माता की हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ में नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कात्यायनी माता की हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ में नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। आदिकाल में एक महर्षि थे कत नाम के, माँ दुर्गा का नाम सदा वो जपते रहते थे। महर्षि की पत्नी भी माता को ध्याती थी, धर्म कर्म के कामों में सदा हाथ बटाती थी। उनके घर में फिर तो एक पुत्र ने जन्म लिया, शुभ मुहूर्त में दोनों ने कात्यह नाम दिया। वह भी बड़ा होकर करने लगा माता की पूजा, कहते हैं कि भक्त नहीं था जैसा कोई दूजा। चारों दिशाओं में चर्चे उसके हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ में नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। रहे ऋषिकत पुत्र का करना चाहिए विवाह, लेकिन कन्या ऐसी हो जो करे पाठ पूजा। देख सुयोग्य कन्या फिर उसका ब्याह रचाया, पत्नी मिली कात्य को ऐसी जैसा था चाहा। पूजा पाठ में रहती थी वह साथ ऋषि के लीन, धीरे धीरे लगे गुजरने फिर तो महीने दिन। कात्यक घर एक पुत्र ने फिर तो जन्म लिया, पति और पत्नी दोनों ने कात्यायन नाम दिया। कात्यायन भी पूजा में माँ की लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ में नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। ऋषि कात्यायन भी करने लगे माँ की घोर तपस्या, समय आने पर एक कन्या के संग विवाह हुआ। होकर उनके तप से खुश माँ सपने में आई, बोली कि वरदान मांग लो मैं देने आई। बोले ये ऋषि कात्यायन हमें नहीं कोई संतान, रूप में आने का हमको दे दो वरदान। बोली माता आपके तप से बड़ी मैं प्रसन्न हूँ, समय आने पर पुत्री बनकर आपके घर आऊं।
ऋषि कात्यायन उनके आगे शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ में नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। कात्यायन के घर जन्मे कात्यायन हुआ है नाम, देखे सपने कात्यायन ने पूर्ण हुए हैं तमाम। अपने तप से ऋषिवर ने प्रसिद्धि है पाई, जो माता जग जननी पुत्री बनकर है आई। चारों दिशाओं में फिर तो ये चर्चा फैल गई, ऋषि कात्यायन के घर अद्भुत कन्या एक हुई। दूर दूर से ऋषि महात्मा करने दर्शन आए, इस कन्या के रूप का वर्णन किया नहीं जाए। अद्भुत सी एक शक्ति दर्शन करके पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ में नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। भुजाओं वाली माता करती सिंह सवारी, कात्यायनी रूप में माता लगती है प्यारी। एक हाथ में कमल पुष्प है, एक में है तलवार। एक हाथ से वर देती कर दूजे से उपकार, कात्यायनी रूप को भक्त श्रद्धा से ध्याते। मोक्ष दायनी है देवी ये मोक्ष को पाते। छठ में नवरात्रे में इनकी पूजा की जाती है, माता अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। मुँह मांगी फिर वो तो मुरादे माँ से पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ में नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। भक्तों का उद्धार, दानों दुष्ट जनों का मां करने आए संहार। ऋषि मुनियों पर भीड़ पड़ी तो माता ने टाली, रक्त बीज पर लोक पठाया बन करके काली। महिषासुर मर्दिनी यही है चंड मुंड को मारे, बड़े बलशाली दानों थे जो माँ के आगे हारे। नौ रातों में नौ दुर्गा की पूजा की जाए, कात्यायनी रूप को छठवें दिन सब ही ध्याए। माता के दर पर आके वो दर्शन पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ में नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
शक्ति है जगदम्बे ममता का सागर। मन की मुरादें पूरी होती हैं दर पे आकर। ध्वजा नारियल लाल चुनरिया माँ को चढ़ाते हैं। जोर जोर से जयकारे माता के लगाते हैं। दर पे जो आ जाता कभी खाली ना लौटाए। अपनी कृपा भक्तों पर माँ सदा ही बरसाए। हे जग जननी माता रखना कृपा की छाया। आज तेरे दर्शन करने को मैं भी हूँ आया। आता है वो दर पर जिसे संदेश आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। छठवें नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं। हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। तेरे रूप की महिमा गाते वेद पुराण। दुष्टों का संहार करे और भक्तों का कल्याण। जब जब आता है माँ के नवरात्रों का त्योहार। भक्तों के घर में होती है खुशियों की बौछार। हंस राज रल हनुमान के हर रूप को ध्याता है। डीएस पाल बड़ी श्रद्धा से महिमा को गाता है। फौजी सुरेश पिकर दी माँ ने कृपा बड़ी अपार। खुशियों से भर दे झोली मेरा सुखी है घर संसार। ऐसी कृपा किस्मत वाले लोग ही पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। छठवें नवरात्रे में माँ के रूप को ध्याते हैं। हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रों का त्योहार भक्तों